इसने काटी है जेब में मेरे साथ काटी थी पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है मैंने निकाली अभी चेकिंग करिए अभी इसने काटी मेरी जेब पैकिंग कर लेंगे बैठ गई मेरे सामने मेरी सीट में मैं अकेला ही बैठा रहा फिर उन्होंने कहा एक और सवारी आ रही है हमारी आप तो था बैठी बैठी वाला रिक्शा वाला वो मेरे को कार्ड भी देके गया हाँ तो इतने में कहता हमारी एक और सवारी है तो ये मेरे साथ बैठ गई फिर हम चौंक आए ना कहते मेरे को उतार दो यही बड़ी शाके से कहते यही कहीं उतार दो मेरे को 20 रुपये दिए निकल गई है वो आके पर फिर हम चौंक से ऐसे कॉर्नर पे ऐसे गए तो दोनों वहाँ उतर गई साथ साथ ही समझ लो तो मैं इनको ढूंढता मैं जेब में पैसे निकाले और ये उतर गई यहाँ क्या ना परशुराम चौक में ये परशुराम चौक में उतर गई और वो दोनों आगे हो गए और यहाँ तीनों मेरे को इकट्ठी मिल गई अब यहाँ तीनों इकट्ठी हैं यहाँ जनता को तो विश्वास करना चाहिए कितने पैसे दे सर कितने पैसे थे आपके मेरे 10 और 11 जा रहे थे इसके अंदर ठीक है 10 11 जा 10 थे 11 थे आपको ये लोग कहाँ पे मिले थे यहाँ मिले आपको कैसे पता चला कि जेब कट चुकी है मैंने वहाँ पैसे दिए जी ऑटो वालों को जी ठीक है मैंने जेब से देखे 100 रुपये तो मैं 100 रुपये उसको दे दिए जब मैंने बीच में देखे ना नोट तो नोट ही नहीं थे 500 वाले सारी कट्टी पूरी ले गए कहेंगी दुकान है जी आपकी हमारी ज्वेलर्स की दुकान है किस नाम है आपके सामने उनको बैठा के लेडीज को आप भी थे ना वहाँ पर पुलिस वाले को देखा पुलिस वाले छोड़ दिया छोड़ दिया इनको अब कह रहे हमारे को क्या पता कुछ छोड़ रहे हैं पकड़ के यही मिले होंगे इसलिए छोड़ रहे हैं क्यों छोड़ रहे हैं इनको आपके सामने बैठा के गए यहां पे क्या नाम है अभी हां हां